हेलो एवरीवन, एक न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है बागडोह एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सूरतगढ़ में। जो भी एसएससी, सीजीएल, दिल्ली पुलिस, सीएटी राजस्थान गवर्नमेंट, रेलवे, बैंक, आर्मी, जीडी, इन सभी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्लास बहुत ही यूजफुल साबित होगी। समय काम मजदूरी, इसके दो वीडियो पहले से अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। अगर किसी ने नहीं देखे तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये क्लास देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगी। शुरू करते हैं आज के सेशन को, तो आप भी एक बार इसको शेयर जरूर करें सोशल मीडिया पर, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल के प्रेस को करें नोट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक इसी काम का 1/4 भाग 4 दिन में पूरा करता है, इसके बाद भी उसकी सहायता के लिए आता है, और शेष काम दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, तो बताओ भी उस काम को कितने दिन में करेगा अकेला भी। तो यहां देखें, ए की बात करते हैं तो ए 1/4 काम कर देता है, तो ए का मतलब ए की जगह देखें तो टोटल काम नीचे वाला है, 4 काम है, 4 में से एक काम हुआ है। भैया 4 में से कितना काम हुआ है? 4 में से एक काम हुआ है, तो 4 में से एक काम हुआ है 1/4 भाग, ये 4 जो है ना, ये वाला 4, ये इस एक का मान है। कितने का है? एक का मान। एक का मान, अगर एक काम 4 दिन में हो रहा है, एक काम 4 दिन में हो रहा है और टोटल काम है कितना? 4 है, तो 4 काम करने में कितना दिन लगेगा? 16 दिन। बात आई क्या समझ में? एक काम 4 दिन में करता है तो एक 4 काम कितने दिन में करेगा? 16 दिन। अब बताओ, जब एक 4 काम थे जिसमें से एक काम तो ए ने कर दिया, शेष काम कितना बचा है? शेष काम बचा है 3/4, ठीक है भैया। 4 काम था जिसमें एक काम ए ने कर दिया, शेष काम 3 बच गया, 3 बचा ना, तो 3/4 शेष काम बचा। ये काम कौन करेंगे? दोनों मिलकर करेंगे, और दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में कर रहे हैं। इसका मतलब यहां भी काम कितना है? टोटल 4 काम है, दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? काम बचा किया कितना इन्होंने? दोनों ने कितना किया? 3 काम किए। 3 काम कितने दिन में किया है? 6 दिन। ये 3 काम कितने दिन में किया है? 6 दिन। जब 3 काम 6 दिन में कर रहे हैं तो एक काम कितने दिन में करेंगे? भैया 3 काम 6 दिन में कर रहे हैं तो एक काम 2 दिन में करेंगे, और यहां टोटल काम है कितना? 8 है, तो इस 8 काम को करने में, 4 काम करने में कितने दिन लगेंगे इन दोनों को? 8 दिन। बात आए क्या समझ में? शेष काम 3/4 बचा है, और 4 में से 3 काम दोनों ने मिलकर किया है, तो 3 काम करने में 6 दिन लग रहे हैं, एक काम करने में 2 दिन लगेंगे, तो इस 4 काम को दोनों को मिलकर काम करने में कितने दिन लगेंगे? 8 दिन लगेंगे। अब देखो ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन। ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन। तो जब बी का निकालना है तो दोनों का एलसीएम लेंगे, 8 और 16 का एलसीएम 16, इस 16 में 8 का भाग लगाएंगे 2, और 16 एकम 16। इसका मतलब हुआ कि ए और बी कितने काम कर रहे हैं? 2 काम कर रहे हैं। ए अकेला कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। इसका मतलब बी ने भी 1 काम किया। जब दोनों ने मिलकर 2 काम कर रहे हैं, ए अकेला 1 काम कर रहा है, तो बी भी 1 काम करेगा, और काम करवाना कितना है? 16 काम करवाना है, तो 16 काम करवाने में बी को टाइम कितना लगेगा? 16 दिन। बी को टाइम कितना लगेगा? 16 दिन लगेगा इस काम को करवाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन एक काम का 1/5 भाग 10 दिन में कर सकता है, तो बताओ शेष काम कितने दिन में करेगा? 1/5 भाग, 1/5 का मतलब है 5 तो टोटल काम है, एक काम उसमें से ए ने किया, और उस एक काम को करने में कितने दिन लगाए हैं? 10 दिन लगाए हैं, तो एक काम करने में 10 दिन लग रहे, एक काम करने में 10 दिन लग रहे, टोटल काम है कितना? 5 काम है, एक काम हो चुका, पीछे काम कितना बचा है? 4। पीछे काम कितना बचा है? 4 काम बचा है, एक काम करने को 10 दिन लगते हैं, एक काम करने में 10 दिन लगते हैं, तो 4 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 40 दिन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कुल काम कितने दिन में होगा, तो कुल काम कितने है? 5। एक काम करने में कितना दिन लग रहा है? 10, तो ये कितना आ जाता? 50।
ठीक है, जिसका पूछे उसको बता देना। तो शेष काम चार बचा है, चार काम करने को 40 दिन टाइम लगेगा, टोटल पूछे तो 50 दिन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्क्रीन पे। मोहन किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, सोहन उससे 20% अधिक तेजी से कार्य करता है, तो बताओ सोहन उस कार्य को कितने दिन में करे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्षमता, कार्य क्षमता क्या है। तो कार्य क्षमता में देखें तो एक है हमारा मोहन और दूसरा है सोहन। अब कहते हैं कि सोहन 20% अधिक काम करता है, भैया मोहन काम करता है 100%, तो ये काम करेगा 120% का मतलब ये हुआ। जब इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे तो 5 और ये आएगा 6, 20 से काट देंगे तो कार्य क्षमता का अनुपात जो है 5 और 6। और यहां हमारे पास इसका मान गिवन है टाइम, समय। तो कार्य क्षमता से समय कैसे ज्ञात करते हैं, जो आपके पास कार्य क्षमता है उसका समय ज्ञात करने के लिए उसका उल्टा कर देंगे 6 और 5। बात आई क्या समझ में? कार्य क्षमता 5-6 है तो समय क्या बनेगा 6-5। मोहन 6, सोहन 5। अब देखो हमें किसका मान दे रखा है, मोहन किसी काम को 15 दिन में करता है, मोहन का यहां टाइम कितना है, मोहन का यहां टाइम कितना है 6। इसका मतलब ये जो 6 है ये किसके बराबर जाएगा, 15 के बराबर। 6 यूनिट मान लेते हैं, 6 यूनिट बराबर 15 है तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 15/6, 3 से काटेंगे 5/2। 1 यूनिट कितने दिन की आई, 5/2 दिन की। अब बताओ किसका पूछा है, सोहन का। किसका पूछा है, सोहन का। सोहन का मान कितना है 5 यूनिट है, कितना है 5 यूनिट है। 1 यूनिट का मान कितना है 5/2, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा 5 × 5/2, इसको हल करेंगे 25/2, 25/2 का मतलब 12.5 देश, कितना आएगा 12.5 दिन में सोहन उस काम को कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट देखें, एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, एक की तुलना में 20-60% अधिक कार्य कुशल है, तो बताओ उसी कार्य को करने में बी कितना टाइम लेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनकी कार्य क्षमता, तो ए और ये बी। ए कितना काम कर रहा है, ए मान लेते हैं 100% काम करता है, तो बी 160% काम करेगा, 60% अधिक है, बोला है ना बी 60% अधिक काम करता है। ए अगर 100 काम करता है तो बी 160 काम करेगा। अब देखो इसको काटो, इसको काटेंगे तो ये बनेगा 5:8, 5:8 बीच से काट देंगे। तो अब इसका समय क्या, समय क्या बने, कार्य क्षमता से समय कैसे निकालते हैं उसका उल्टा करते हैं, क्या करते हैं उल्टा करते हैं, तो ये बन गया 8:5। अब बताओ ये ए है और ये बी, हमें किसका मान दे रखा है, ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, यहाँ ए कितना है, अरे भैया यहाँ तो 12 दिन है, यहाँ ए कितना है 8, तो हम क्या करेंगे 8 यूनिट बराबर कितना होगा 12 दिन, यहां से 1 यूनिट का मान निकालें आप, तो 1 यूनिट बराबर 12/8, 3/2 जाए 3/2, 1 यूनिट कितने की आई है 3/2 की। अब बताओ बी का पूछा जा रहा है, किसका पूछा जा रहा है बी का, और बी कितना है 5 यूनिट, 1 यूनिट 3/2 की है तो 5 यूनिट कितने की बनेगी, अरे भैया 5 यूनिट 15/2 कितना 7.5 दिन, 7.5 दिन में ये कंप्लीट करेगा। बात आई क्या समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, ए किसी कार्य को बी की तुलना में दुगनी गति से कार्य करता है, यदि दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिन में पूरा करते हैं तो बताओ अकेला बी उसे कितने दिन में करे, ये क्वेश्चन है। तो अब देखो सबसे पहले इनकी, जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हो ना, दुगनी तिगनी इस प्रकार के क्वेश्चन हो, उसकी कार्य क्षमता ज्यादा है कम है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप कार्य क्षमता निकालें, उसके बाद टाइम निकालें, उसके बाद जो डाटा दे रखा है उसको बराबर रख के 1 यूनिट का मान निकालें, और उसके बाद जिसका मान चाहिए उसे गुणा कर देंगे, आपका आंसर 30 सेकंड से पहले आ जाएगा।
नेक्स्ट देखें, ए की किसी ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में दुगनी, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्षमता ए बी, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में दुगनी है, तो ए तो दो है और बी एक है, बी की तुलना में दुगनी है ना, तो इसका एक, एक का दुगना कितना होगा दो। अब इनका समय निकालें, तो समय कितना होगा एक दो, कार्य क्षमता का उल्टा कर देंगे तो समय आ जाएगा। अब देखो क्या बोला है कि यदि दोनों मिलकर उसको 12 दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं 12 दिन में कर रहे हैं, तो अकेला भी उसे कितने दिन में करे। अब देखो दोनों का टाइम कितना है, दोनों का टाइम कितना है तीन, दोनों का टाइम कितना है तीन है। अब 12 दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं और दोनों का टाइम तीन आया है, तो तीन का टोटल काम निकालने के लिए, टोटल काम निकालने के लिए इस तीन का 12 से गुणा करेंगे 36, टोटल काम कितना आएगा 36 काम आएगा भैया, टोटल काम कितना आएगा 36 काम आएगा। अब इस 36 काम को किससे करवाना है, तो अगर हमें ए बंदे या बी बंदे से काम करवाना है तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना काम है कितना। अरे भैया काम है कितना तभी हम ज्ञात करेंगे, तो काम है कितना ये निकालने के लिए ये इसका रेशियो है, इसका ऐड करेंगे क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं तो टोटल काम कितना होगा 36। अब ये 36 काम हमें किससे करवाना है, बी से। बी की कार्य क्षमता है एक, बी की कार्य क्षमता एक मतलब बी एक दिन में एक काम करता है और काम है कितना 36 काम है, तो 36 काम करने में बी को कितना टाइम लगेगा 36 दिन, क्योंकि बी की कार्य क्षमता है एक दिन, बी एक दिन में एक ही काम करता है लेकिन ए एक दिन में दो काम करता है, यही अगर हमें ए का पूछा जाता तो 36/2 ए 18 दिन में कर देता और बी उस काम को 36 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में तीन गुनी है, बी किसी कार्य को करने में ए से 20 दिन अधिक लेता है, बी किसी काम को करने में ए से 20 दिन टाइम ज्यादा लेता है, तो ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो सबसे पहले क्षमता ये ए और ये बी हो जाए। अब भैया देखो ए, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में तीन गुनी है, तो बी तो एक होगा और ए कितना हो जाएगा तीन, अरे एक का तीन गुणा तीन होगा ना। अब इससे समय निकालेंगे, तो समय निकालेंगे तो कितना होगा एक अनुपात तीन, समय निकालेंगे तो कितना होगा एक अनुपात तीन होगा। अब देखिए, अब इसने क्या बोला है, बी किसी कार्य को करने में ए से 20 दिन ज्यादा टाइम लेता है बी, तो अब देखो ए यहां एक है बी यहां कितना है तीन है, अरे भैया ए यहां एक है बी यहां कितना है तीन है, तो इन दोनों का अंतर अरे अधिक या कम, इसका मतलब क्या होता है दोनों के बीच में अंतर, ए से 20 दिन ज्यादा टाइम ले रहे, ए से 20 दिन ज्यादा टाइम ले रहे, यहां एक है यहां तीन है, तो इसका अंतर कितना बनेगा दो यूनिट, कितना दो यूनिट। भैया ये एक दिन में काम कर देता है, ये तीन दिन में काम करता है, ए एक दिन में काम कर देता है उतना बी तीन दिन में काम करता है, तो कितना ज्यादा टाइम ले रहा है, कितना ज्यादा टाइम ले रहा है दो यूनिट ना, दो यूनिट, यूनिट में दो यूनिट, दिन में कितने 20 दिन, दिन में कितने 20 दिन, तो एक यूनिट कितने की होगी, एक यूनिट कितने की होगी 20/2 कितने दिन की 10 दिन। अब बताओ किससे काम करवाना है, ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा, एक यूनिट कितने दिन की है 10 दिन की है और ए का अनुपात कितना है, टाइम में अनुपात देखें भैया, टाइम में अनुपात देखें, एक का अनुपात एक है और एक यूनिट का मान 10 है, तो 1/10 कितने दिन 10 दिन। और यही काम अगर बी से करवाना होता तो बी का रेशो कितना है 3 और एक यूनिट का मान कितना 10, तो कितने दिन लगते 30। बात आई क्या समझ में, तो इस तरह से आज हमारा समय काम मजदूरी का पार्ट नंबर 3 था, कुछ हमने कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लियर किए हैं ताकि आप SSC रेलवे बैंक CHSL दिल्ली पुलिस CPOSI आर्मी GT ETC एग्जामों की प्रिपरेशन करें तो आपके लिए काफी
कारगर साबित हो तो एक बार सोशल मीडिया पर शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल के प्रेस को कर लें नोट ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। कल मिलेंगे पार्ट नंबर 4 के साथ और उसी के साथ हमारा ये सब में काम मजदूरी चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। सोशल मीडिया पर इसको शेयर करते रहें और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जहां पर हमने साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और तीसरा टॉपिक जो हमारा काम समय मजदूरी है इसका लिंक मिलेगा, वहां से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, कल मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ।